नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। मेनका गांधी का राहुल पर तंज, कहा गरीबों को 72,000 रुपए देना मुंगेरी लाल के सपने की तरह है। केंद्रीय महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने जिले में राहुल गांधी पर सोमवार को करारा तंज कसा। उन्होंने कहा कि गरीबों को 72,000 रुपए देना मुंगेरी लाल के सपनों की तरह है। कांग्रेस की आदत हमेशा सपने दिखाने की रही है। हार्दिक पटेल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जल्द सुनवाई से इनकार। गुजरात में चुनाव न लड़ने पाने की स्थिति का सामना कर रहे हार्दिक पटेल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी पर जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया है। पटेल ने याचिका में मांग की है कि उसके खिलाफ 2015 के दंगों के मामले में सजा स्थगित की जाए। मंगलवार को पेट्रोल डीजल को लेकर नहीं मिली कोई राहत, ये है नई कीमतें। मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली और देश के कई महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। नई दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 72.86 रुपये प्रति लीटर है और डीजल की 67.9 रुपये प्रति लीटर है, जो कि सोमवार को भी इतनी ही थी। मोहाली में पंजाब का जलवा कायम, लगातार छठी जीत। सैम कुर्नर की हैट्रिक व मोहम्मद शमी की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत किंग्स 11 पंजाब ने सोमवार को यहां मोहाली के पीसीए स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से हराकर आईपीएल के 12वें स्तर में तीसरी जीत दर्ज की। बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा, लिखा कश्मीर के पीएम बनना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर अशोक पंडित ने ट्वीट किया है, चुनाव करीब आ रहे हैं और आतंकियों के समर्थन अमर उदुल्ला की पार्टी सत्ता से बाहर है, लेकिन वह कश्मीर के पीएम बनना चाहते हैं। वह भारतीय संविधान के मुताबिक चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वह हुर्रियत के संविधान के मुताबिक पीएम बनने की हसरत रखते हैं। तो इस तरह अशोक पंडित ने उमर अब्दुल्ला उनकी राजनीति को अपने निशाने पर लिया है। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं और हमारा एंड्रॉइड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।